चिंटू जो है वो एक बिजनेस करना चाहता था, खुद की दुकान खोलना चाहता था, लेकिन उसके पास काफ़ी कम पैसे थे उस दुकान को खोलने के लिए। दुकान को खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए थे और उसके पास सिर्फ 50,000 थे और दुकान को खोलने के लिए 1.5 लाख रुपये चाहिए थे। अब उतने कम पैसों में तो वह दुकान खोल नहीं पाया था, इसलिए इसने अपने एक दोस्त के पास गया जो था बंटी। इसने बंटी को कहा, हम दोनों मिलकर एक दुकान खोलते, एक बिजनेस करते हैं जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वो अपने सारे बिजनेस प्लान को उसके साथ डिस्कस किया, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए। सारी चीज़ें बताने के बाद बंटी ने बोला, ठीक है मैं तेरे साथ बिजनेस करूँगा। बंटी ने भी फिर कुछ पैसे दिए और दोनों ने सोचा अब हम मिलकर बिजनेस करेंगे। बट बंटी ने जो पैसे दिए वो काफ़ी कम थे, क्योंकि देखो चिंटू ने दिए थे 50,000, बंटी ने भी सिर्फ 85,000 दिए, क्योंकि बंटी के पास भी उतने कम 1,000 थे, लेकिन चाहिए थे हमें 1.5 लाख रुपए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब ये दोनों तो तैयार थे एक दूसरे के साथ बिजनेस करने, लेकिन इनके पास काफ़ी कम पैसे थे। अब बंटी ने इसे आइडिया दिया कि मेरा एक और दोस्त है बबलू, जो हमारे हेल्प कर सकता है। तब ये दोनों गए बबलू के पास। उसने बबलू को अपना बिजनेस आइडिया बताया कि हम इस तरह से बिजनेस करने वाले हैं और हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होएगा। तब बबलू ने कहा, ठीक है तुम्हारा बिजनेस आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं भी तुम्हारा बिजनेस में हेल्प करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ बिजनेस करूंगा। अब बबलू ने भी काफ़ी सारे पैसे दिए और तीनों के पास काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे होकर अब इनके पास 50,000 चिंटू के, 50,000 बंटी के, और बबलू ने भी फिर इन्हें 50,000 दे दिए, जिसकी मदद से अब इनके पास 1.5 लाख हो चुके हैं अपने 1.5 लाख के दुकान को खोलने के लिए। अब ये तीनों मिलकर अपनी दुकान को खोल सकते हैं और आसानी से अपनी दुकान को डेवलप भी कर सकते हैं। तो इस स्टोरी से आपको क्या पता चलता है, हमारे जितने भी मतलब बिजनेसेस होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसको करने के लिए काफ़ी पैसे चाहिए होते हैं, जो हमारे पास नहीं होते हैं और हम चाहते हैं कि हम किसी से लोन भी ना लें, तो उस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आसपास वालों लोगों से पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए, उनके साथ में मिलकर बिजनेस करना चाहिए। यही आज का हमारा टॉपिक भी है, पार्टनरशिप। YouTube चैनल आज हम लोग लेने वाले OCM चैप्टर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 का फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि फीचर्स क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप फर्म के। मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, देन उसके बाद हम लोग समझेंगे उसके जो फीचर्स है, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होता है जब हम जितने भी पार्टनर्स हैं उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसी को हम पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक स्टोरी सुनाई, उसके अंदर 3 कैरेक्टर्स थे, मतलब चिंटू, बंटी, बबलू, वो तीनों जो कैरेक्टर्स थे वो तीनों को हम मिलाकर जब उनका जो ग्रुप है, वो तीनों पार्टनर्स का जो ग्रुप है उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है ना। अब इसके जो फीचर्स है वो देखते हैं। सबसे पहला फीचर एग्रीमेंट है, ठीक है। अब एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो बिजनेस के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो मेंशन किए जाते हैं, ठीक है। मतलब लिखी हुई होती है वो जितने भी नियम कानून है उसी को हम एग्रीमेंट कहते हैं। अब एग्रीमेंट बेसिकली क्यों इस्तेमाल किया जाता है तो वो आपको समझाता हूँ। बिजनेस के मतलब पार्टनरशिप के अंदर दो तरह के एग्रीमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। पहला होता है ओरल एग्रीमेंट एंड सेकंड होता है रिटन एग्रीमेंट, लेकिन रेफर किया जाता है रेफर किया जाता है कि हमें रिटन एग्रीमेंट ही बनाना चाहिए, ठीक है। रिटन एग्रीमेंट क्यों बनाना चाहिए, देखो अगर हम ओरल एग्रीमेंट बनाते हैं, ओरल एग्रीमेंट मतलब क्या कि हम मुँह से बोल दिए, एग्री कर दिए, मतलब देखो जैसे अब चिंटू ने बोला बंटी को कि तू मेरे साथ बिजनेस करेगा, मैं तेरे को इतने मतलब हम लोग 50-50 करेंगे, ठीक है। जब तक मतलब बबलू नहीं आया था तब तक 50-50 करेंगे उन्होंने डील की थी। अब क्या हुआ, बंटी ने बोला ठीक है, उसने भी ओके कर दिया, उसने भी ओके कर दिया। अब कल को उसने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसने बाद में बात पलट दी, बोली नहीं मैंने किधर बोला था 50-50, मैंने तो 60-40 का बात किया था, तू गलत सुना है मेरे मुँह से। तो अब इस तरह से मतलब मुँह की जवान है, बोल देगा तू गलत सुना है मेरे मुँह से, सो दैट उस टाइम धोखाधड़ी हो सकती है। इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए आपको रिटर्न में ही एग्रीमेंट बनाना चाहिए। अब रिटर्न में क्या कि लिखित में लिख दे कि हाँ 50-50 की बात हुई है, कल को मुकरना नहीं चाहिए कि ये दिखा सको डॉक्यूमेंट कि हाँ देख 50-50 की बात हुई थी, दोनों ने साइन किया था। इसी को हम एग्रीमेंट कहते हैं कि सारे पार्टनर जो है जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो या फिर जो काम से उससे रिलेटेड हो, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई होती है कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कौन कितना लॉस लेगा, रेशो क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है उस टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर। और सब पार्टनर्स को उसके अंदर साइन करके ये दिखाना होता है कि हमें ये मंजूर है ये एग्रीमेंट, ठीक है ना। अब सेकेंड जो फीचर होता है एक पार्टनरशिप फॉर्म का वो होता है जॉइंट ओनरशिप, क्योंकि देखो अब मैंने तीन आपको कैरेक्टर्स इसमें बताए, मतलब जो तीन कैरेक्टर्स थे चिंटू, बंटी और बबलू, ये तीनों जो कैरेक्टर्स थे
तीनों के तीनों ने पैसे लगाए हैं, कैपिटल लगाया अपना बिजनेस खोलने के लिए, दुकान खोलने के लिए। देन अब क्योंकि तीनों ने पैसे लगाए तो अब तीनों ही उस दुकान के मालिक भी हो जाएंगे, सो डैट यहाँ पे जॉइंट ओनरशिप हो जाती है। जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबकी जो ओनरशिप, उन सबके पास ओनरशिप होती है, मतलब सबके सब मालिक होते हैं उस बिजनेस के, ठीक है। तो जॉइंट ओनरशिप यहाँ पे होती है। देन थर्ड फीचर जो है वो होता है जॉइंट मैनेजमेंट, क्योंकि देखो सबके सब ओनर है, मालिक है, तो वो चाहते हैं कि हम बिजनेस चलाए, सब चाहता है कि हम बिजनेस चलाए, सो डैट यहाँ पे जॉइंट मैनेजमेंट भी होता है। हो सकता है कि ऐसा भी हो, किसी किसी सिनेरियो में ऐसा भी हो जाता है कि कोई पार्टनर जो है वो चाहता है कि मैं काम ना करूँ, मतलब मैं मैनेजमेंट ना करूँ, मेरे बदले में दूसरा कोई कर ले, और अगर वो पार्टनर मतलब एग्री करता है कि ठीक है मैं करूँगा तेरे बदले में काम और बदले में कुछ लेगा वेगा, सो डैट अगर ऐसा भी हो सकता है मैनेजमेंट के टाइम में, बट बेसिकली जॉइंट मैनेजमेंट होता है कि सब मिलकर काम करते हैं, मतलब तीन लोग हैं तो तीनों मिलकर दुकान चलाते हैं। अब चौथा जो एक फीचर होता है वो होता है लॉफुल बिजनेस, यानी कि पार्टनरशिप। क्यों देखो पार्टनरशिप अलग अलग तरीके, बहुत सारे टाइप्स के पार्टनरशिप्स होते हैं, तो पार्टनरशिप हमें ऐसी करनी चाहिए जो लॉफुल हो, मतलब ऐसी पार्टनरशिप जो नियम कानून को फॉलो करे, इलीगल ना हो, जैसे कि स्मगल करना वो सारे काम ना हो, इसमें चोरी चकारी का काम ना हो, इसके अंदर लीगल काम हो, अच्छे काम हो, सही काम हो, उसी को हम लॉफुल बिजनेस कहेंगे, ठीक है। तो हमें ऐसे बिजनेस करने चाहिए, ऐसे पार्टनरशिप करनी चाहिए। सेकेंड जो फिफ्थ जो फीचर है वो है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब उधारी होता है। तो यानी कि अब अगर जैसे हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न में देखा था कि उसके अंदर जो सोल ट्रेडर होता है उसकी जो मतलब लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। देन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तीन तरीके की लाइबिलिटीज होती है, इसके अंदर भी अनलिमिटेड होती है, देन इसके अंदर और दो एक्स्ट्रा भी है, उसे भी हम जान लेंगे इस लेक्चर के अंदर। देन इसके अंदर क्या क्या होता है, तीन तरीके की लाइबिलिटीज इसके अंदर बताई गई है कि तीन तरीके की लाइबिलिटीज एक पार्टनरशिप फर्म के हर एक पार्टनर्स के पास होती है, मतलब जो चिंटू है वो भी तीन तरीके की लाइबिलिटी को रोल प्ले करेगा, और जो बबलू है, बंटी है, वो दोनों भी वही तीन तरीके की लाइबिलिटीज को प्ले करेंगे। अब तीनों लाइबिलिटीज कौन सी है, बेसिकली लाइबिलिटी का मतलब होता है उधारी कर्जा ले लिया हमने किसी से, तो वो तीनों लाइबिलिटीज को उन्हें भरना पड़ता है। पहले अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझ लेते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है वो लाइबिलिटी जो आपका दुकान वुकान मतलब जो भी बिजनेस है आपका, उसको बेच बाच कर भी अगर आपका कर्ज नहीं चुका पा रहे हो तो आपका घर बार बेच कर वो कर्ज चुकाना पड़ेगा, उसी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। यानी आपके पर्सनल असेट जो पार्टनर्स जितने भी हैं उनके पर्सनल असेट्स बेच बाच कर हम उस लोन को चुकता करेंगे, उस क्रेडिटर का जो क्लेम है उसे पे ऑफ करेंगे, तो उसे हम अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। देन जॉइंट लाइबिलिटी का मतलब होता है, जॉइंट लाइबिलिटी का बेसिक मतलब वही होता है कि उसके अंदर क्या है, जैसे मान लेते हैं हमने 3 लाख का लोन लिया था किसी से, ठीक है, बैंक से लोन लिया था 3 लाख का, बट समझ लेते हैं किसी पार्टनर से किसी को कसाइन मतलब किसी क्लाइंट को हमने असाइनमेंट था हमारा, हमने उसे प्रोडक्ट तो दे दिया बट उसने पैसे नहीं दिए, उसने बोला आपका प्रोडक्ट खराब निकल गया है, हमारे एक पार्टनर से गलती कर दी थी, प्रोडक्ट खराब निकल गया, सो डैट वो हमें ना पैसे दे रहा, अब हम कैसे पैसे चुकाएंगे, लॉस हो गया हमारा। तो अब उस टाइम पे हमें उसे पैसे देने, बट क्या अब वो जो लॉस हुआ है 15 लाख मतलब 3 लाख रुपए हमें देने हैं, तो अब क्या एक ही पर्सन देगा जिसके वजह से लॉस हुआ है वही खाली देगा, नहीं, यहाँ पे हमें जॉइंट लाइबिलिटी होती है, मतलब चाहे एक पार्टनर गलती करे या सारे पार्टनर्स गलती करे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको मिलकर पैसे चुकाने पड़ते, तो जॉइंटली सब लाइबल होते हैं उस लाइबिलिटी के लिए, तो सबको मतलब 1-1 लाख रुपये चुकाने पड़ेंगे उस 3 लाख को भरने के लिए जो तीन पार्टनर से उन्हें, ठीक है। देन अब सेवरल लाइबिलिटी क्या होता है, बेसिकली उसी को अगर हम दूसरे एंगल से देखें कि 3 लाख चुकाने हैं उसमें से सबने 1-1 लाख रुपए चुकाए हैं ना, बिल्कुल 3 लाख है, 1-1 लाख सबने चुकाए हैं। अब अगर हम लोग सिर्फ एक मतलब कैरेक्टर के हिसाब से देखें, जैसे कि अगर हम चिंटू के इधर से देखें तो चिंटू को अपने जेब से 1 लाख रुपए उस लोन को भर मतलब वो जो लाइबिलिटी है उसको भरने के लिए लग गया, मतलब वो जो कर्जा था उसे 1 लाख रुपए देने के लिए वो अकेले अपने जेब से 1 लाख रुपए निकाला। तो अगर सेवरली देखें, इंडिविजुअली देखें, तो सबको अलग अलग तरीके से अपने अपने तरफ से पैसे देने पड़ रहे हैं उस लाइबिलिटी को भरने के लिए, तो इसी को सेवरल लाइबिलिटी कहते हैं, यानी इंडिविजुअल लाइबिलिटी भी कहा जाता है इसे, तो इसी को हम कहते हैं लाइबिलिटी। देन एक और भी कंडीशन आ जाती है, वो भी आपको बता देता हूँ जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, फिर भी आपके जनरल नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। होता है सपोज कि तीन जो पार्टनर्स है उसमें से मान लेते हैं जैसे 15 लाख का मान लेते हैं लोन था, ठीक है। अब तीनों 15 लाख का लोन था, उनका कर्जा वर्जा भरने का था 15 लाख का, ठीक है। अब तीनों क्योंकि जॉइंटली मतलब लाइबल है, तीनों को लाइबिलिटी भरनी है, तीनों को कर्जा भरना है, सो दैट अब तीनों को हिसाब से तो 5-5 लाख भरने चाहिए, ठीक है। तीनों पार्टनर से चिंटू बंटी बबलू तीनों को 5-5 लाख भरने हैं, बट क्या पता चलता है कि जो चिंटू है उसके पास सिर्फ 2 ही लाख है, उसका घर बार बेच दिए फिर भी 2 ही लाख है, अब किडनी फेफड़ा तो बेचेंगे नहीं कि वो इलीगल है, सो दैट अब घर बार बेच दिया 2 ही लाख निकला खाली उसके पास से, 3 लाख अभी देने बाकी है। अब जो बंटी है उसके पास से 5 लाख तो निकले लेकिन उससे ज़्यादा पैसे नहीं निकले, ठीक है, तो अभी भी 3 लाख देने बाकी है।
और जो बबलू है उसके पास तो उसका मतलब घर बार बेचे तो 7 लाख निकल गए, ठीक है, देन उसके पास से 7 लाख निकल गए, लेकिन अभी भी 1 लाख बाकी है। मतलब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक पार्टनर कम पैसा दे रहा है, दूसरा पार्टनर ज्यादा पैसा दे रहा है, तो इसलिए इसी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। यानी कि अगर आपका जो परसेंटेज रेशियो है उससे ज्यादा भी आपको पैसा देना पड़ सकता है, अगर आपके जो मतलब प्रॉपर्टी उतना है तो आपको वो सारी चीजें बेच बार कर उस क्लेम को ऑफ पे ऑफ करना पड़ेगा। तो इसी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी कहते हैं, और इसी को मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि एक पार्टनर के पास 2 ही लाख है तो वो सिर्फ 2 ही लाख पे ऑफ कर सकता है, दूसरे पार्टनर के पास ज्यादा है तो वो सारी चीजें उसके बेच बार को क्लेम को पे ऑफ करना पड़ सकता है। देन अपना जो नेक्स्ट फीचर है वो है नंबर ऑफ पार्टनर्स, यानी कि अगर आप बिजनेस करते हो, पार्टनरशिप फॉर्म करते हो, तो उसके अंदर कितने मैक्सिमम पार्टनर्स को हम ऐड कर सकते हैं और कितने मिनिमम रहने चाहिए। तो मिनिमम तो 2 है, ठीक है, और मैक्सिमम 50 है, यानी 50 पार्टनर्स हम मैक्सिमम रख सकते हैं, 50 पार्टनर्स, और मिनिमम 2 रख सकते हैं। और बेसिकली हम पार्टनर्स किसे रखते हैं, अपने जान पहचान लोगों को रखते हैं, यानी कि अपने दोस्त को रख लिया, अपने फैमिली में किसी को रख लिया, ऐसे नहीं कि जनरल पब्लिक में से किसी को लेते हैं, हम अपने आसपास ऐसे लोगों को लेते हैं जो हमसे ट्रस्टेड रहते हैं, कि हमें उस पर भरोसा रहता है, ऐसे लोगों को लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी के टाइम पर क्या हो गया, अभी 100 लिमिट हो गया है, अभी 100 लिमिट हो चुका है पार्टनरशिप के अंदर, तो अब हम 100 ले सकते हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में 85 लिखा है लिमिट, मैक्सिमम लिखा है, तो आप 85 टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही आंसर लिखना, देन 85 लिखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं कहीं पे तो 10 ही 20 लिखा है, क्योंकि पुराने टाइम मतलब पहले के टाइम पे 10 20 था, फिर 50 हुआ, देन अभी 100 हो चुका है मतलब लिमिट, सो दैट कन्फ्यूज नहीं होने का। अभी जो आपके बुक में लिखा है करेंट में उसी के हिसाब से चलो, 50 लिखा तो 50 के हिसाब से चलो। देन नेक्स्ट जो आपका है वो है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, यानी कि ये हर एक जो पार्टनर्स होता है, देखो ये जो पार्टनरशिप हमारी फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म, उसके अंदर काफ़ी सारे पार्टनर्स है, ठीक है, अलग अलग पार्टनर्स है, चिंटू बंटी बबलू जितने भी पार्टनर्स है, हर एक जो पार्टनर है वो 2 रोल प्ले करता है, दोनों में से मतलब एक रोल प्ले करता है अपने फॉर्म के अंदर, ठीक है, दोनों में से एक रोल प्ले करता है। पहला रोल होता है प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल मीन्स ओनर बन जाता है अपने फ्रेम का, जो पार्टनर एज अ पार्टनर काम करता है उस टाइम पे जब वो फ्रेम के अंदर होता है, अपने बिजनेस के अंदर होता है, उस टाइम पे वो प्रिंसिपल के जैसा काम करता है। लेकिन जब वो अपने फ्रेम से बाहर जाता है, मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट आया, तो जब क्लाइंट से बात करने का टाइम आएगा तो वो ऐसा नहीं ऑर्डर देगा, उसे प्रिंसिपल के जैसे काम नहीं करेगा, वो एजेंट बन जाएगा अपने फ्रेम का। किस तरह से, जैसे बताता हूँ आपको, जब तक वो फ्रेम के अंदर था, मतलब उस टाइम मालिक था, तो सबको ऑर्डर दे रहा है ये काम करो वो काम करो, लेकिन जब क्लाइंट आया तो वो एजेंट बन गया अपने फ्रेम का, कि ये हमारी बिजनेस है या हमारी दुकान है, अगर आपको इस दुकान से कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो मुझे बताइए, मैं आपको ला के दे सकता हूँ, हम इतने इतने में प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब हम एजेंट बन जाते हैं अपने फ्रेम का, पार्टनर्स। तो 2 रोल प्ले करते हैं ये पार्टनर्स, प्रिंसिपल एजेंट का, ये दोनों रिलेशनशिप से। देन अपना नेक्स्ट जो फीचर है वो है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली इसका मतलब है कि जो भी पार्टनर्स है, जैसे बंटी चिंटू और जो बबलू है, ये जो तीनों पार्टनर्स है, ये तीनों पार्टनर्स के पास शेयर से मतलब हिस्से है, पार्टनर्स है ना, तो हिस्से उनके पास है, सबके पास इक्वल हिस्से है उस बिजनेस के, पर्टिकुलर बिजनेस के। सो दैट उस टाइम पे क्या है, अगर एक पार्टनर चाहता है कि मैं बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता हूँ, मैं अपना शेयर जो है, मेरा जो हिस्सा है, उसको मैं क्लेम करना चाहता हूँ, निकाल कर किसी और को दे दूँ, या फिर मेरे को उसके पैसे वापस चाहिए और मैं जाना चाहता हूँ ये बिजनेस को छोड़कर, तो उस टाइम पे वो अपने शेयर को ट्रांसफर किसी को भी नहीं कर सकता, ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब शेयर, कि वो किसी को भी अपना जो हिस्सा है, जितना भी परसेंट का उसका हिस्सा है, उस रेशो को, उस परसेंटेज को, शेयर को, वो किसी को भी शेयर नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं करता कर सकता, तो उसका रीज़न भी होता है। देखो ये जो मान ले, जैसे सपोज करते हैं बबलू जो है वो चाहता है कि मैं बिजनेस को छोड़ के जाऊँ, मेरे को मेरा शेयर मैं किसी और को देना चाहता हूँ, बट जो चिंटू और बंटी है वो बबलू के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और दूसरा जो पर्सन आएगा उस पर ट्रस्ट नहीं होता ना यार, कि नया पर्सन है, हो सकता है हमारे जो सीक्रेट्स है वो रिवील कर दे, हमारे जो मतलब स्पेशल आइडियाज है वो किसी और को बता दे, और उससे पैसे लेने के चक्कर में हमारे सीक्रेट्स रिवील कर दे, सो डैट उस टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे मतलब हमें डर लगते हैं, इस वजह से एक तो ये रीज़न होता है कि हम चाहते हैं कि नया कोई आए ना हमारे पास, हमारे पास जो पुराने पार्टनर है वही हमारे पास रह जाए, और हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, झगड़ा झगड़ी उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अगर कोई पार्टनर चाहता है कि मेरे को ये बिजनेस को छोड़ के जाना है, तो उसके लिए जो बाकी के पार्टनर्स उनकी भी मतलब एग्री होनी चाहिए, कि वो सब भी मानने चाहिए कि ठीक है तू जा सकता है, देन अगर वो एग्री करते हैं तो जा सकता है, वरना नहीं अपने शेयर को वो किसी को भी दे पाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन होता है अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने में। देन अपना 9वां जो फीचर है वो होता है रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो उसके लिए आपको अपने फेम को, अपने जो पार्टनरशिप फेम है उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है। नॉट मैंडेटरी कि आपको करवाना ही है, वरना आपका फ्रेम नहीं चल सकता, आप करवा सकते हो, इट इज ऑप्शनल, बट
अगर आप करवाते हो तो काफ़ी सारे आपके बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लेकिन अगर नहीं करवाते तो काफ़ी सारे आपके घाटे भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप करवा लेते हो, अब कल को मान लीजिए कोई अगर आपका क्लाइंट है उसने आपको धोखा दे दिया, आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो आप उसके ऊपर केस करने के लिए आपका जो फ्रेम है, मतलब आप जो भी आपका पार्टनरशिप फ्रेम है, तो उस नाम से अगर आपको केस करना है कि इसने हमारे फ्रेम से पैसे प्रोडक्ट लिया है लेकिन पैसे नहीं दे रहा है, तो सो डैट उस टाइम पे उस फ्रेम को रजिस्टर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी तो गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा ना कि हाँ भाई ये इनाम का कोई फ्रेम भी है, पार्टनरशिप फ्रेम है, वरना अगर उसके पास रजिस्टर ही नहीं होगा आपका फ्रेम, तो उसको लगेगा ये कौन सा फ्रेम है, ये तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। सो डैट उस टाइम पे आप कोई भी केस नहीं लड़ पाओगे अगर आपका रजिस्टर नहीं होता। तो रजिस्टर करवाना बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, नॉट मैंडेटरी, ऐसा नहीं है कि आपको करवाना ही होता है, बट आप ऑप्शनल है लेकिन करवा लेना चाहिए। और ये मैंडेटरी क्यों नहीं है, तो उसके बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ही बताया गया है कि मैंडेटरी नहीं है बट करवा लेना चाहिए। नाउ अब कैसे करवाएंगे, तो बेसिकली हमें जाना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ फ्रेम के अंदर, मतलब बेसिकली एक अथॉरिटी है जो हर एक स्टेट के अंदर रहती है, वहाँ पे जाकर हमें बस कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, फिर पार्टनर्स के जितने भी डिटेल्स है, वो सारी चीज़ें देने के बाद वहाँ पे हमारा जो पार्टनरशिप फॉर्म का जो नाम है वो वहाँ पे ऐड हो जाता है, जो भी रजिस्ट्रार है उसके अंदर लिख दिया जाता है कि हाँ भाई ये भी कोई बिजनेस है हमारे स्टेट के अंदर। देन उसके बाद हम वो काफ़ी सारे ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं कि हम केस वेस कर पाते हैं। ठीक है, नाउ अपना जो 10th जो फीचर है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो काफ़ी स्पेशल भी है ये, क्योंकि देखो तीन पार्टनर जो है, बंटी, चिंटू और बबलू, ये तीनों पार्टनर से तीनों ने इक्वल इक्वल पैसे दिए थे, और हो सकता है ऊपर नीचे भी मान लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि ऊपर नीचे किसी ने 10 लाख दिए तो किसी ने 1 ही लाख दिया, किसी ने 2 लाख दिए, ऐसा मान लेते, उल्टा पुल्टा भी दे सकते हैं। तो जितना भी पैसे दिए होंगे, कैपिटल दिया होगा, उस हिसाब से उनका पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो। मतलब जितना भी उन्होंने कैपिटल दिया है, जितने भी पैसे लगाए उस बिजनेस के अंदर, और जितना भी वो काम कर रहे हैं, उसी हिसाब पे, उसी पे डिपेंड करता है उनको कितना प्रॉफिट एंड लॉस देना पड़ेगा और मिलेगा। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं तीनों का इक्वल है, अगर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि किसका कितना रेशो है, तो सो डैट उस सिचुएशन में सबका जो रेशो होता है वो इक्वल हो जाता है, सबको इक्वल इक्वल मनी मिलेगा। जैसे 3 लाख का मान लो प्रॉफिट हो गया, तो सबको 1-1 लाख रुपए मिलेंगे, तीनों जो पार्टनर है उन्होंने 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। और मान लेते 3 लाख का लॉस हो गया, तो तीनों को 1-1 लाख रुपये अपने जेब से भरना पड़ सकता है, तो इसी को हम शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। देन अपना जो नेक्स्ट जो फीचर है, 11th फीचर, वो है टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर्स। यानी कि टर्मिनेशन का मतलब होता है निकाल देना, सो दैट हम पार्टनर्स को अपने पार्टनरशिप फॉर्म से निकाल दे रहे हैं, उनको हम अपने पार्टनरशिप फॉर्म से निकाल दें। तो यहाँ पे दो सिनेरियो आते हैं, दो टाइप से हम निकाल सकते हैं, दो तरीकों से। पहला तो वो खुद निकल जाए, मतलब वो खुद चाहते हैं कि अब झगड़ा झगड़ी हो रहा है या फिर उनको नहीं जम रहा है हमारे साथ, सो दैट उस टाइम पे वो हमारे हम हमें मतलब एक रिजाइन लेटर देकर, एक नोटिस देकर, हमसे जो एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म करके वो पार्टनरशिप को छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, निकल सकते हैं पार्टनरशिप से, मतलब खुद ही टर्मिनेट हो सकते हैं। एंड देन एक और सीनैरियो भी आता है कि हम खुद उन्हें निकाल दें, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं बिजनेस के, और सपोज कि मान लीजिए, जैसे मान लेते चिंटू बंटी जो है वो दोनों तो पार्टनर्स हैं, लेकिन जो बबलू है वो बहुत घोटाला कर रहा है। ठीक है, मतलब 10 लाख, 1 लाख का चेक आ रहा है तो वहाँ से वो 90 हज़ार निकाल रहा है, बोल रहा है 10 हज़ार जो है वो तो टैक्स वैक्स लग के ख़त्म हो गया, ऐसे बहुत सारे घोटाले कर रहा है। तो उस सीनैरियो के अंदर क्या होगा, जो रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, जो एक जो फ्रॉड कर रहा है पार्टनर, उसको खुद ही निकाल देंगे, खुद ही टर्मिनेट कर देंगे अपने पार्टनरशिप फॉर्म से। तो ऐसा भी एक हो सकता है टर्मिनेशन के अंदर। देन अब ये तो एक फीचर हो गई टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, हम पार्टनर्स को निकाला जा सकता है, लेकिन जब पार्टनर्स की एग्री होगी, मतलब पार्टनर्स खुद चाहेंगे तभी निकाल सकते हैं। देन अब जो 12वां जो लास्ट जो फीचर है वो होता है डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन का मतलब होता है ख़त्म कर देना, पार्टनरशिप को ख़त्म कर देना है। अब किस तरह से पार्टनरशिप ख़त्म हो सकती है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे सिनेरियोस आते हैं। जैसे कि एक तो ये सिनेरियो है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो खुद चाहते हैं कि अब हम आगे बिजनेस ना करें, मतलब वो खुद चाहते हैं कि बिजनेस अच्छा अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत लॉस हो गया, अब हम ये बिजनेस नहीं कर सकते, हमें नहीं जम रहा है, अब हम जा रहे हैं, बिजनेस को छोड़ दे रहे हैं। खुद ही डिसएग्री कर, मतलब उन्हें नहीं जम रहा है तो खुद ही अपने एग्रीमेंट को तोड़कर अपने बिजनेस को ख़त्म कर दे रहे हैं, तो एक ये सिनेरियो हो सकता है। देन एक और सिनेरियो भी होता है, उसके अंदर तो खुद ही बिजनेस, मतलब पार्टनर्स की मर्जी पर नहीं, वो खुद ही बिजनेस बंद हो जाता है। और वो किस तरह से होता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई जो पार्टनर, जैसे चिंटू जो है उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो उस टाइम पे भी ऐसा भी हो सकता है कि अगर एग्रीमेंट में ऐसा ना लिखा हो कि कोई अगर पार्टनर मर जाता है तो उसके बाद कंटिन्यू होगा बिजनेस, तो अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है ऐसे सिचुएशन से रिलेटेड कि कोई मर जाता है या फिर कोई पागल हो जाता है, ऐसे कुछ काम हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें बिजनेस आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, वो ऐसे कुछ नहीं लिखा होगा अगर एग्रीमेंट के अंदर, तब जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली बंद करना पड़ सकता है। ठीक है, बंद करना पड़ जाएगा।
ये एक सिनेरियो हो जाता है कि जिसके अंदर पागल हो जाए, मर जाएगा अगर कोई पार्टनर, तो उस टाइम पे हमारा जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, या फिर हम लोग मतलब ढंडन गोपाल हो गए, हमारा बिजनेस डूब गया, पैसा वैसा है नहीं, तो उस टाइम पे भी बिजनेस बंद हो जाता है। देन एक और सिनेरियो आता है, इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं जो चिंटू है, बंटी और बबलू, ठीक है, पहले बबलू के साथ चिंटू की लड़ाई हुई, बबलू ने बोला मैं तेरे साथ पार्टनरशिप नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, उसने उसको नोटिस दिया, रिजाइन किया, निकल गया। देन अब बबलू निकल गया, अब दो पार्टनर्स रिमेन है। अब जो बंटी है उसने भी उसके साथ झगड़ा झगड़ी किया, बोला तेरे नहीं जमेगा, उसने भी रिजाइन दिया, उसने भी नोटिस दिया और चला गया, वो भी छोड़ के चला गया पार्टनरशिप को। अब यहाँ पे कितने ओनर बचा है, कितना ओनर बचा है, कितना पार्टनर्स बचा, अब एक ही ओनर बचा है जो था, जो है चिंटू, ठीक है। अब एक ओनर बचा है तो ये इनडायरेक्टली देखे तो ये मतलब पार्टनरशिप फॉर्म से चेंज होकर अब ये बन चुका है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी सोल ट्रेडिंग कंसर्न बन चुका है। देन ये इनडायरेक्टली देखे तो ये ऑटोमेटिकली ही जब जितने भी पार्टनर्स है वो एक हो जाते हैं, मतलब कम होते होते वो सिर्फ एक पार्टनर्स बन बच जाता है, तो उस टाइम पे वो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होता है सब पार्टनर्स मिलकर इकट्ठा होते, उसे हम पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। अब पार्टनर्स ही नहीं है तो सो डैट वहाँ पे अब पार्टनरशिप फॉर्म भी खत्म हो जाती है, तो इसी को हम पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। नाउ मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, आई होप कि अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इजीली बता सकते हो, और अगर आपको इसके डेफिनेशन में कोई भी लाइन अगर मिस होती है जो मैंने नहीं लिया है वैसे, तो क्योंकि बेसिकली हमने जो स्टोरी देखी उसके अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो ही चुकी है। तो नाउ आज के हमारे लेक्चर में इतना ही, देखने वाले नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है फ़ायदे और नुकसान के बारे में, कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म के, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं लेकिन काफ़ी सारे नुकसान भी होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे घाटे होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो, ऐसे ऐसे घाटे होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के। तो घाटे अगर आपको जानने हैं और फ़ायदे जानने हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो उसके लिए आप ये लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर देना, वरना ये राइट में जो आपको चैनल दे रहा है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना।